Assalamualaikum friends, welcome to my YouTube channel Medical Student. आज जो टॉपिक मैंने आपके साथ डिस्कस करना है वो हमारे पास है डिस्काइटिस। डिस्क का मतलब क्या होता है, जो स्पाइनल में हमारे पास डिस्क होती हैं तो हमारी जो स्पाइनल कोड है वो तीन जो है ना ज्वाइंट से मिलके बनी हुई है। दो एक हमारे पास होता है इंटरवर्टिब्रल डिस्क और दो हमारे पास होते हैं फेसिस ज्वाइंट्स होते हैं, ठीक है। इस बात का आपको पता होना चाहिए। डिस्काइटस मतलब के दो जो है हमारे पास ज्वाइंट उसके दरमियान जो डिस्क होती है, और उसमें आइटस का क्या मतलब होता है, इन्फ्लेमेशन। उसके अंदर क्या हो जाना, इन्फ्लेमेशन हो जाना, उसे हम कहते हैं डिस्काइटस। इसकी डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगी, इज स्वेलिंग इन्फ्लेमेशन जिसे हम कहते हैं एंड इरिटेशन ऑफ द स्पेस बिटवीन द बोन्स ऑफ द स्पाइन, ठीक हो गया। इंटरवर्टिब्रल डिस्क स्पेस, जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क स्पेस है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाना, जाहिर सी बात है जब इन्फ्लेमेशन होगी तो क्या होगा, स्वेलिंग हो जाएगी। उसके कॉजेज क्या हमारे पास हो सकते हैं, किस वजह से ये इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग हुई है, कॉज बाय द इन्फेक्शन दैट डिवेलप इन वन ऑफ द स्पाइनल वर्टिब्री बोन। ये कोई इन्फेक्शन हो गया है किसी स्पाइनल वर्टिब्री में, इस वजह से होता है ये इन्फेक्शन। हमारे पास बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है और वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है, ठीक हो गया। इसके बाद आगे सिम्टम्स हमें क्या आती हैं, क्या शो अप होती हैं, चेंज इन योर पोस्चर, पोस्चर में चेंजिंग आती है, स्टिफनेस इन योर बैक, बैक में जाहिर सी बात है इन्फ्लेमेशन हो रही है, स्वेलिंग हो रही है तो क्या हो गया, मसल स्टिफ हो जाएंगे, स्टिफनेस नज़र आएगी बैक में। डिफ़िकल्टी परमोटिंग रेगुलर मोबिलिटी टास्क, कोई रेगुलर जो मोबिलिटी टास्क लाइक हम सिटिंग से स्टैंडिंग में नहीं जा सकते, ये रेगुलर नॉर्मल से नॉर्मल टास्क नहीं परफॉर्म कर सकते। एब्डोमिनल पेन एंड डिसकम्फर्ट फील होगी और साथ ही साथ फीवर भी होगा। मैं आपको ये बात भी बताना चाहिए, जहाँ इन्फ्लेमेशन हो रही होती है वहाँ पे फीवर ज़रूर हो जाता है। पैथोफिजियोलॉजी अगर मैं आपको इसके बताऊँ तो क्या है, इन्फ्लेमेशन ऑफ वर्टिब्रल डिस्क स्पेस ऑफ्टन रिलेटेड टू द इन्फेक्शन। वही कहा गया है कि इन्फेक्शन जहाँ हुआ है ना, इन्फ्लेमेशन हुई है, पैथोलॉजी भी इसकी इन्फ्लेमेशन की तरह ही है कि कोई पैथोजन आया तो जाके उसने इन्फेक्ट किया उस जगह को, एंटीजन एंटीबॉडीज एंटीजन आया ना तो एंटीबॉडीज एक्टिवेट हुई, साइटोकाइन का फिनोमेना एक्टिवेट हुआ, तो ये प्रोसीजर इसमें भी हो रहा होता है, इन्फेक्शन एक तरह का यहाँ पे होता है, इस वजह से तो इन्फ्लेमेशन कॉज होती है। ट्रीटमेंट हम इसमें क्या दे सकते हैं, डिस्काइटिस इज ट्रीटेबल, ये ट्रीटेबल है एंड यूजुअली रिजल्ट इन एन अनकम्प्लिकेटेड क्योर, अनकम्प्लिकेटेड क्योर इसमें पॉसिबल है। हाउ वे वी टेक अ वेरी लॉन्ग क्योर ऑफ एंटीबायोटिक्स थेरेपी, इसमें हम लोग एंटीबायोटिक थेरेपीज देते हैं एंड यूजली आईवी लगाते हैं एंटीबायोटिक एवॉइडेड। ये था आज का हमारा टॉपिक, अगर आपको अच्छा लगा तो हमने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।